कहावत है कि जब दो जिगरी दोस्त दुश्मनी करते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। आज के वक्त देश की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जिस अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास की जोड़ी ने आम आदमी को जन्म देने में सबसे बड़ा योगदान निभाया, आज वही दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। पहले माजरा क्या है वो समझ लीजिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले देश के नामी गिरामी कवि कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। कुछ दिनों पहले न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू के दौरान कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक वक्त अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन किया था और अरविंद केजरीवाल ने मुझे बताया कि वो एक दिन या तो पंजाब के CM बनेंगे या फिर एक आज़ाद देश के प्रधानमंत्री। इस बयान के बाद यह वीडियो वायरल हो गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने इस इंटरव्यू पर तुरंत रोक लगा दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये वीडियो पंजाब में अशांति पैदा कर सकती है, लेकिन फिर भी PM मोदी ने पंजाब की जनता के सामने इस वीडियो का जिक्र कर दिया, जिसके बाद यह विवाद एक नया मोड़ ले चुका है और अब अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास और PM मोदी पर निशाना साधते हुए यह वीडियो भी साझा किया। आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए, सारे चोर लुटेरे ये सारे इकट्ठे हो गए और ये मिलके इनको मेरे से डर लग रहा है। एक तरह से इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ, जनता के लिए तो मैं स्कूल बनवाता हूँ, जनता के लिए अस्पताल बनवाता हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ। इन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोते हैं तो इनके सपने में आता हूँ मैं। दरअसल कुमार विश्वास ने जब से आम आदमी पार्टी से किनारा किया है, तब से वक्त बेवक्त अरविंद केजरीवाल पर वो निशाना साधते रहे हैं और ये वाकया राजनीतिक तौर पर सबसे गंभीर होने जा रहा है।